हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतिभा क्रिएशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली ये ब्यूटीफुल से मीडी की कटिंग और सिलाई स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। साथ ही आप किसी भी साइज़ का मेजरमेंट से बनाना चाहते हो उसे किस तरीके से बना सकते हो ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट से देखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले मैंने कपड़े को चार फोल्ड कर लिया है। अब मैंने स्किन पर मेजरमेंट को सेट कर लिया। इसी मेजरमेंट को लेते हुए हम यहाँ पर कटिंग और सिलाई दोनों करेंगे। तो मैं कंधा यहाँ पर रख रही हूँ 7 इंच और अमूल मैं यहाँ पर रख रही हूँ 6.5 इंच। मैं यह स्लीवलेस बनाऊँगी इसलिए मैंने 6.5 इंच रखा है। अगर आप बाजू लगाना चाहते हो तो उसमें आप 7 इंच रखें। तो फ्रंट देखिए, किसी भी मेजरमेंट को किसी भी हिसाब से बनाने के लिए बस आपको उसे 400 डिवाइड करने के बाद उसमें जितना मेजरमेंट आता है उसी हिसाब से रखना होता। तो 36 का मैंने 400 डिवाइड किया, 9 इंच है। 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए ले लिया है, ठीक है। अब इस तरीके से मैंने मार्किंग कर लिया है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब देखिए, कमर के हिसाब से भी मैंने यहाँ पर 400 डिवाइड कर लिया है। 2 इंच लूजिंग के लिए रख लिया है। 1 इंच हमने यहाँ पर लिया है प्लेट्स डालने के लिए। तो जो हम कमर में प्लेट्स डालेंगे उसके लिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब इस तरीके से दोनों कपड़े को हम फोल्ड करके एकदम अच्छे से रख लिए। अब लंबाई जो है मैंने 15 इंच लिया, चाहिए हमें 14 इंच। 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब हम इस तरीके से लाइन को मिला देंगे। देखिए, जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ सेम उसी तरीके से आपको मिला देना है। अब हम यहाँ पे अमोल की मार्किंग करेंगे। तो अमोल इस तरीके से हल्का हल्का कर्व देते हुए हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद हम नेक की मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो नेक में यहाँ पर रख रही हूँ 4 इंच चौड़ाई और जो इसकी गहराई वो भी मैं 4 इंच रखूँगी आगे का। पीछे का गहराई मैं यहाँ पर 2 इंच रखूँगी। तो इस तरीके से हम मेजरमेंट को सेट कर लेंगे। जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरीके से आपको स्टेपों को फॉलो करना है और बहुत ही प्यारे और बहुत ही सिंपल तरीके से आप मेहंदी को बनाना सीख जाओगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरीके से मार्किंग कर ली है। पीछे वाले गले की भी मार्किंग कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर कर्व शेप देंगे, राउंड शेप देंगे। आप अपने हिसाब से नेक को किसी भी हिसाब से बदल सकते हो। तो यहाँ देखिए, फ्रंट और बैक दोनों की मार्किंग हो गई। अमोल में भी हल्का सा हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे इस तरीके से, जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ सेम ऐसे ही आपको भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट है और एक हमारा बैक है। तो सबसे पहले हम बैक वाले पल्ली की कटिंग करेंगे। इस तरीके से नेक को पहले कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर हल्का सा 1/2 इंच जितना स्लोप को डाउन करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपको पकड़ना है कपड़े को। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप मेजरमेंट भी कर सकते हो। तो 1/2 इंच जितना इस तरीके से स्लोप को डाउन करते हुए आपको कटिंग कर लेना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर रही हूँ, उसके बाद हम आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। अगर नीचे से कपड़ा आपका ऊपर नीचे है तो उसे भी आप कट करके एक बराबर इक्वल कर ले। जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ सेम वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए जाना है और बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसकी कटिंग करना सीख जाओगे। तो एक पल्ला हमारा फ्रंट है और दूसरा जो पल्ला है वो हमारा बैक है। तो दोनों आप इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों इस तरीके से लिख ले ताकि आप जब सिलाई करें तो उससे आपको अच्छे से आसानी से पता चले। तो यहाँ भी हमारा बैक है। अब हम इसके नीचे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है कुछ इस तरीके से। आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको एक रफली समझा दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। तो यहाँ देखिए, मैंने एक आपको समझाने के लिए एक छोटा सा फैब्रिक मैं ले रही हूँ ताकि आप समझ पाओ। तो ये देखिए फैब्रिक है, इसे देखिए सबसे पहले बीचों बीच से फोल्ड किया और उसके बाद सेंटर से, ठीक है। तो इससे हमारा 4 फोल्ड कपड़ा फोल्ड हो जाएगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड फोल्ड कर दिया है। अब हम नीचे वाले कपड़े को थोड़ा फिनिशी करेंगे। ऊपर वाले बॉडी को इस तरीके से डबल फोल्ड में फोल्ड करेंगे क्योंकि कपड़ा हमारा 4 फोल्ड है, इसलिए मैं डबल फोल्ड कर लेना। अब यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग करते समय ध्यान दें, आपको पूरा एकदम बराबर मार्किंग करना है, थोड़ा सा भी नहीं मतलब ऊपर नीचे नहीं करना है। अब इस तरीके से मार्किंग हो गई है। अब हम इसका लेंथ देख लेंगे, लेंथ में कितना चाहिए। तो मुझे चाहिए यहाँ पर 43 इंच। तो 43 को हम उसमें से 1 इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा, नहीं 2 इंच हमारे फोल्डिंग में चला जाएगा, तो हमारा 40 इंच आएगा टोटल। तो
15 इंच ऊपर करके हम नीचे से यहाँ पर मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये 42 इंच आ रहा है, लगभग हमारा 14 इंच आ जाएगा जब हम सिलाई करेंगे। तो अब देखिए इस तरीके से आपको तिक्खा ए लाइन के सेम में मार्किंग करना स्टार्ट करना है, जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ सेम उसी तरीके से। अब नीचे वाले पल्ले से आपको 3 इंच ऊपर की ओर लेकर आना है और इस तरीके से कर्व सीध देना है। इससे क्या होगा कि जब हम सिलाई करेंगे तो हमारे पहनने के बाद मीडी अप एंड डाउन नहीं होगा, एकदम बराबर इक्वल राउंड शेप में आएगा। तो हमारी मार्किंग हो चुकी है, अब हम इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है, ये हमारा नीचे वाला पल्ला और ये हमारा ऊपर वाला पल्ला है। जब हम ज्वाइंट करेंगे तो इसे बताएंगे किस तरीके से ज्वाइंट करना है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की नेक की फिनिशिंग कर लेते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पर ऑरे पट्टी कट कर ली है। अब हम नेक में इस तरीके से सिलाई करते हुए चलेंगे और सिंपली जैसे हम पल्टी अपने फिनिशिंग देने के लिए पट्टी पलटते हैं, वैसे ही इसको भी पल्टी करके गले में फिनिशिंग देनी है। तो जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, उसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है, अब हम इसको अंदर की ओर पलटी करेंगे। तो इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। ये देखिए एक बार फोल्ड करना है इस तरीके से और जस्ट अंदर की ओर, कपड़ा हमारा बाहर नहीं होना चाहिए, अंदर की ओर होना चाहिए। अंदर की ओर फोल्ड करके इस पर सिलाई दे देंगे फिनिशिंग का। आप चाहो तो इस पर टॉप स्टिच भी दे सकते हो, नहीं तो आप सिंपली फिनिशिंग का सिलाई दे देंगे तो बहुत ही अच्छा इसका फिनिशिंग आ जाएगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आ गया। इस पर आप जब एक प्रेस लगा दोगे तो इसका फिनिशिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इसमें हम डॉट्स के प्लेट्स डालेंगे, जो प्लेट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 1 इंच मैंने इंस्टॉल लिया है। उसके लिए हम 5 इंच की चौड़ाई लेंगे और लंबाई में से हम 4 इंच लेंगे, जैसे मैं आपको इस मेजरमेंट में दिखा रही हूँ। स्किन देखिए 5 इंच, ऊपर की ओर हम लेंगे 4 इंच। इस तरीके से हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए दूसरे साइड में हम इसे प्रेस करके चिपका लेंगे, यानी कि दूसरे साइड में भी इसकी मार्किंग उतार लेंगे, ताकि हम दोनों साइड में इक्वल बराबर एक बराबर मार्किंग करके इसकी सिलाई करें। तो इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। अब हम इसे पकड़ेंगे और हल्का हल्का इस तरीके से पकड़ना है, लगभग हाफ इंच जितना, क्योंकि हाफ हाफ इंच दोनों साइड हम फोल्ड करके इसमें 1 इंच जितना कपड़ा दबा देंगे। तो इस तरीके से सिंपली आपको प्लेट्स डालना, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए फ्रेंड्स प्लेट्स हमने डाल दिए, अब हम इसके नीचे जो नीचे वाला पल्ला है उसे अटैच करेंगे। उसे अटैच करने के लिए इस तरीके से देखिए बराबर रखेंगे और इतना कपड़ा आपका एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि हमने बॉडी में प्लेट्स लगाए हैं, इसलिए यहाँ पर लगभग 1 इंच जितना कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है। तो अब हम इसे यहाँ पर भी प्लेट्स लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कैसे प्लेट्स लगाना है, जहाँ पर आपने डॉट लगाया वहीं वाले हिस्से पर वहाँ पर हल्का सा इस साइड पकड़ना है और हल्का सा उस साइड, मतलब दोनों साइड आपको एकदम थोड़ा थोड़ा पकड़ना, लाइक आधा इंच जितना कपड़े को दबाना, एक साइड और दूसरे साइड दबाना आपको आधा इंच इतना कपड़ा। तो इस तरीके से आप जब प्लेट्स लगाओगे तो इसका फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा, जब उसे पहनोगे तो प्रॉपर बहुत ही प्यारा लुक देगा। बस आपको सिंपली इसमें प्लेट्स लगा कर एक प्रेस लगा देना है, ताकि इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत लगे। तो अब देखिए इसे हम सिल लेते हैं सिंपली।
यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें सिलाई कर ली है और मैं इसे आपको ओपन करके दिखाती हूँ इसका लुक कैसा आएगा। तो ये देखिए, ओपन करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आपको सिंपली एक प्रेस लगा देना, आयरन कर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा इसका लुक अच्छा आएगा। अब हम इसका फ्रंट और बैक दोनों पल्ले को एक साथ रख के इसका कंधा पहले अटैच करेंगे, उसके बाद इसकी फिटिंग देंगे। तो कंधे को अटैच कर लेते हैं सबसे पहले हम। तो देखिए, इस तरीके से कंधे को रखना है और एकदम बराबर पकड़ते हुए हमें कंधे को अटैच कर लेना है। तो मैं आपको अटैच करके दिखाती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसे आप कट करके बाहर निकाल सकते हो। तो आपको दो तीन सिलाई दे देना है कंधे पर, क्योंकि ये हाफ बाजू का है इसलिए। अब देखिए, यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया। अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने गले में फिनिशिंग दी उसी तरह आर्महोल में भी फिनिशिंग दे देनी है, सेम टू सेम वैसे एकदम बराबर। अब हम इसे बीचों बीच से फोल्ड करेंगे, इसको उल्टा करके फोल्ड करेंगे और उसके बाद इसके जो साइड की फिटिंग है वो दे देंगे इस तरीके से, और नीचे का जो दामन है उसे हम इस तरीके से फोल्ड करके सिल देंगे। तो मैं आपको फाइनल लुक सिल के दिखाती हूँ। तो ये था हमारा आज का फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, पहनने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। देख रहे हैं इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। इसे आप एक प्रेस कर लो ताकि इसकी फिनिशिंग और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।